चलिए आपको सीधे रायपुर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ वैसे तो सब डाक हाउस वगैरह बने हैं, लेकिन उसके बारे में भी नगर सब नगर निगम इसमें उसमें अब डाक हाउस बनाए हुए हैं, उसके भी नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री जी नमस्ते, मैं मेरी जिज्ञासा शहरी क्षेत्रों में इस योजना के संचालन को लेकर थी। जैसे कि आपने कहा कि शहरों में आवारा मवेशियों की समस्या होती, सरकार ऐसे क्या प्रयास करने जा रही है कि आवारा मवेशियों की समस्या भी खत्म हो जाए, और ये जो योजना है उसके ऊपर जो आप कलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए गोबर मीडिया में बेहतर ढंग से इसका संचालन किया जा सके। गौरव जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब गोबर से पैसा मिलने लगेगा तो मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ में एक भी पशु आवारा होगा, वो सबके मालिक मिल जाएंगे। और यदि शहरों में भी घूम रहे हैं उसके लिए भी नगरी प्रशासन के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है, गोबर नगरी प्रशासन भी खरीदेंगे, उससे वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, उससे भी पैसा कमाया जाएगा। तो जो संग्रहण करता है उसे भी पैसा मिलेगा, कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और उससे वर्मी कंपोस्ट बनेगा, उससे पैसा भी कमाएंगे। तो ये व्यवस्था करने के बाद मैं नहीं समझता कि कोई पशु आवारा होगा, सबके अपने मालिक होंगे। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, 2018-19 में गोबर धन योजना भी शुरू की गई थी केंद्र सरकार से, तो उस से ये कितना डिफरेंट है, और इसी से जुड़ा सवाल ये था कि क्या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसके लिए कुछ प्लान है विकसित करने? अभी तो इसकी शुरुआत हमने की है, गोबर धन योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन उसका लाभ अभी नहीं मिल पाया, बिल्कुल अलग योजना है, क्योंकि गांव-गांव में और प्रत्येक व्यक्ति से इससे जोड़ा जा रहा है, और उससे किस प्रकार से लाभ होगा, क्योंकि गोबर धन योजना में गोबर खरीदने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ रेट तय किया जाएगा। आप भी सुझाव दें इसका रेट क्या होगा, और रवि चौबे जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उसके कार्यालय में आप सुझाव दे सकते हैं को रेट कितना हो, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, उससे अधिक हो, इस प्रकार से रेट हो, थोड़ा तार्किक ढंग से तर्कपूर्ण ढंग से कोई बात रखी जाएगी तो निश्चित रूप से सरकार स्वीकार करेगी। नमस्कार लखोटिया जी, आपकी योजना बहुत ही अच्छी है, गोधन न्याय योजना, जिसकी कल्पना संभवतः किसी ने नहीं किया था कि गोबर भी कभी खरीदा जा सकता है। हम लोगों ने बहुत प्रयास करके 4 रुपया प्रति लाख छेना संसार घाट तक पहुँचाने की योजना बनाई, और काफी हद तक लकड़ी जो अंतिम संस्था होता है उसको रोकने में हम लोग कामयाब रहे हैं, और निश्चित रूप आपको बहुत बहुत बधाई। उसमें जो भी सुझाव होगा मैं माननीय चौबे जी तक दूंगा, आपको एक बार और धन्यवाद लखोटिया जी। भास्कर